समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक तितली रहती थी। वह तितली नामक थी जो अपनी अद्भुतता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके पास एक रहस्यमय शक्ति थी, वह किसी के मन की बातें समझ सकती थी। एक दिन एक छोटा सा बच्चा अकेला खेल रहा था, उसका नाम अर्जुन था। वह बहुत उदास और अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसके पास तितली आई और पूछा, तुम क्यों इतने उदास हो? मेरे पास एक मित्र है। मैं तुम्हारा मित्र बन सकती हूँ। क्या वाकई? हाँ, मैं अपनी दोस्ती की शपथ देती हूँ। दोनों बच्चे मिलकर खेलने लगे। तितली ने अर्जुन के साथ खेलते हुए उसके दिल को बहुत खुश किया। अर्जुन ने तितली के साथ समय बिताने में आनंद लिया। उनकी दोस्ती में एक अद्भुत चमत्कार छुपा था। दोस्ती अद्भुत है। तभी तितली ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अर्जुन की माँ को भी मदद करनी चाहिए। उनकी मदद से अर्जुन की माँ को बड़ी खुशी हुई। वह उन्हें धन्यवाद देती रही। तितली और अर्जुन ने उस दिन को अद्भुत बना दिया। उनकी दोस्ती में एक खासी जादू था जो सबको आपस में जोड़ता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। अर्जुन और तितली ने एक दूसरे की मदद करके सच्ची मित्रता का संदेश दिया और इससे समझ आया कि हमारे पास अद्भुत शक्तियों की खोज नहीं करनी चाहिए,